तो ये है पूरे उत्तराखंड की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम सोसाइटी गोल्फ कोर्स। पर 6:30 बजे मैं भाई के कमरे से भी भाई व्यू दिखा देता हूँ। वाओ, आए मुझे बहुत दुख होता है यहाँ से देखने में, इतना ज्यादा फोग आज पूरा दिन हो गया बना हुआ है और मैं वहां जा नहीं पाया। काश मैं बाइक उठा के कार उठा के ऊपर घूम के आता, क्या बेहतरीन फोग है। चलो मौका मिला तो मैं हो सकता है उस फोग तक वहां तक जाऊं घूमने, वहां से बहुत अच्छा व्यू आता है। वैसे मुश्किल है, नहीं तो कहीं और जाते हैं घूमने। और इस तरफ देखते हैं, इस तरफ भी फोग आया हुआ है, सब जगह ही फोग आया हुआ है आज। तो हवा काफ़ी अच्छी चल रही है आज। यहाँ पर मोर रखा है माइलो पागल, क्योंकि ये यहाँ खड़ा होकर देखता रहता है, नीचे जो भी इसको दिखता है ये यहाँ से देखता रहता है। माइलो करो आवाज़ लगाओ उनको, वो सारे खेल रहे हैं। लगाओ आवाज़ लगाओ, वो देखो बच्चे खेल रहे हैं ना सारे, यहाँ से आवाज़ लगा रहा है। कैसे पागल हो रखा है, कैसे लटक गया। शेक हो गया था यार। तो इवनिंग वॉक में थोड़ा सा मैं पैसिफिक गोल्फ की तरफ आया हूँ किसी से मिलने, तो थोड़ा उधर भी दिखा देता हूँ किस तरह का फोग इन्वायरमेंट हो रखा है। ज़्यादा तो नहीं घूमूंगा इस सोसाइटी में, बस वो वाला कोना दिखाऊंगा जहाँ से ये फोग आपको बेस्ट दिखा सकूँ पहाड़ों का व्यू। तो सबसे पहले जाते हैं गोल्फ कोर्स में, आपको आज गोल्फ कोर्स की ब्यूटी दिखाता हूँ। कभी भी मैं यहाँ से निकलता हूँ ना तो इन पेड़ों से इतनी अच्छी खुशबू आती है, पता नहीं किस चीज़ के पेड़ है भाई, किसी को बताओ तो जरूर कमेंट करके बताना। ये वाले फूल लगे हुए इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो पहुँच गए भाई गोल्फ कोर्स में। वाह ये है व्यू असली, वाह सुपर, वाह वाह। इधर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, देखो इधर है बैठने का, यानी कि इधर अलाउ है थोड़ा सा जाना, इधर काफ़ी लोग घूम रहे हैं। वाह दिस इज़ द व्यू। तो अभी उस तरफ चलते हैं, आ जाओ और वहाँ से आएगा पूरा व्यू उस तरफ का। तो ये है पूरे उत्तराखंड की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम सोसाइटी गोल्फ कोर्स, पैसिफिक गोल्फ कोर्स। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ 3 BHK हैं जिनका व्यू इस तरफ आ रहा है गोल्फ कोर्स की तरफ, तो वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के हैं, और जिनका उस तरफ व्यू आता है वो थोड़ा सस्ते हैं, वो 1 करोड़ के होंगे। और 2 BHK का प्राइस है, जो छोटे वाले 2 BHK हैं 60 लाख, जो बड़े वाले 2 BHK हैं उनका है 80 लाख। और यहाँ पे इवन जो मेंटेनेंस जाती है पर मंथ वो 5,000 रुपीज़ है, सिर्फ मेंटेनेंस। इतने में तो मेरठ जैसे शहर में एक पूरा घर आ जाता है जितने की यहाँ मेंटेनेंस है। यानी कि 3 BHK अगर आप रेंट पे लेते हैं तो 30,000 रुपीज़ के अप्रोक्स पड़ने वाला है। लेकिन हो भी क्यों ना, इतनी बढ़िया सोसाइटी है और देखो कितना बढ़िया हो रखा है। इस तरफ पहाड़ दिख रहे हैं, पूरा फोग आ रहा है, यहाँ की मॉर्निंग इवनिंग और मॉनसून सुपर्ब है, सुपर्ब। और सब एक ही तरह के लोग रहते हैं, एक नेक्स्ट लेवल सोसाइटी है। चलिए ये गोल्फ कोर्स तो काफ़ी, हम उस तरफ से आए थे, वैसे अलाउ नहीं है लेकिन उन्होंने अलाउ कर रखा क्योंकि उन्होंने पाथवे नहीं बनाया हुआ घूमने का। वैसे चारों तरफ पाथवे बनाया हुआ है, इस तरह से लोग वॉक करते हैं उन अपार्टमेंट के इधर से ऐसे। वो देखो उस तरफ से भी लोग आ रहे हैं। तो सबसे पहले फोग दिखाता हूँ, फिर उसके बाद ही घर दिखाऊंगा कि नीचे के घर कितने प्यारे प्यारे बनाए हुए हैं लोगों ने। चलो भाई ये वाला पेड़ बिल्कुल यूनिक है, इस पर जब बच्चे खेलते हैं ना और चढ़ते हैं इस पेड़ पे तो बिल्कुल ही अच्छा लगता है, गांव वाली फील आ जाती है। और ये है व्यू यहाँ से, ये सिर्फ इसको देखने के लिए मैं आया था। ये ससधारा रोड जा रही है, ये इस पर मैं साइकिलिंग करता हूँ काफ़ी बार, ये दिखाई है। और ये पूरा ससधारा वाले हिल है, फिर ऐसे ये रोड ऐसे जा रही है नीचे की तरफ से और फिर जा रही है माल देवता देर ऋषिकेश और हरिद्वार की तरफ। यहाँ पर जब फोग क्रिएट होता है बहुत ज़बरदस्त फोग क्रिएट होता है, ऊपर तो होया हुआ है अभी यहाँ पे इतना नहीं आ रहा, मॉर्निंग में बहुत ज़बरदस्त फोग आया हुआ था जब मैं अपने घर से दिखा रहा था तो यहाँ बहुत फोग आया हुआ था। तो अभी चलते हैं उस तरफ, वॉक करते हैं अराउंड पैसिफिक गोल्फ। चलो अच्छा आवाज में थोड़ा सा जल्दी आ गया ताकि आपको पूरा ही व्यू दिखा सकूँ आज, सुपर नज़ारे। इसमें अभी इतना पानी नहीं है, इन्होंने बीच में ना पूरे में ऐसे नदी बनाई हुई है,
तो बारिश से अपने आप जितना पानी भरना था भरा हुआ, इन्होंने छोड़ा नहीं हुआ है अभी, पता नहीं क्यों। अगर यहाँ पानी होता और भी अच्छा लगता। मेंढक बोल रहे हैं भाई, इसके अंदर तो मेंढक भी आए हुए हैं। छोटू आके देखो, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। इतना प्यारा पेड़ आ गया पीपल का, काफी अच्छा लगता है। कितनी क्लीन ग्रास है यार, इसको देख के मुझे अपने फुटबॉल ग्राउंड की याद आ जाती है। इवन मुझे तो पूरी लाइफ हो गई खेलते हुए, मैं नेशनल तक खेला हूँ, लेकिन मुझे कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा ग्राउंड नहीं दिखाई दिया। मतलब मुझे अफसोस होता है, फुटबॉल इंडिया के लिए नहीं बना। और इंडिया में रह रहे हो तो फुटबॉल आप कभी भी ऐसे ग्राउंड में नहीं खेल पाओगे, उसके लिए तो यूरोप जाओ या दूसरी कंट्री जाओ। मुझे मतलब एक ड्रीम है, ड्रीम कि ऐसे कहाँ से ऐसे ग्राउंड पर खेलने को मिल जाए। हाँ, इंडिया में इतनी जगह है कि दूसरी कंट्री में है ही नहीं। लेकिन वो जो नेता है ना, नेता खेल मंत्री हुए या फिर वो मतलब उनका ना करप्शन भरा हुआ उनके माइंड में। कभी कोई पैशनेट अगर खेल मंत्री बने तो वो शायद कुछ करवा पाए, लेकिन अगर वो करवाएगा तो अपनी जेब कैसे भरेगा। मेन क्लियरली यही है सब कुछ। वाओ, अभी हम ऐसे घूम के जाएंगे और जितनी भी आपको बिल्डिंग दिख रही है उनके किनारे 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 जाएंगे। फिर ए ब्लॉक वो है, बी ए बी सी डी ब्लॉक, ई और एफ, बहुत सारे ब्लॉक हैं यहाँ पे। वो फिर उसके वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। वाओ, अभी देखना कुछ लोगों के घर बने हुए हैं। जो नीचे वाले घर है ना, बिल्कुल बेस वाले ग्राउंड वाले, उनके पास गार्डन है अपना आगे की तरफ, काफ़ी बड़ा गार्डन है। दिखाऊंगा देखो किस तरह से लोगों ने अपने गार्डन सजाए हुए हैं। और जो सबसे ऊपर वाले हैं वो पेंट हाउस हैं, तो ऊपर वालों के पास भी ज़्यादा स्पेस है। सब जो सबसे ग्राउंड वाले, यही सबसे महंगे वाले अपार्टमेंट हैं यहाँ पे। जो बीच वाले अपार्टमेंट हैं वो कम कॉस्टली हैं एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड फ्लोर। एक बात और है जो मैं बता रहा था कि मंत्रियों की गलती होती है, कुछ गलती लोगों की भी होती है। लोग कभी कंप्लेन नहीं करते यहाँ पे। मान लो कोई गड्ढा हो रहा है सड़क पे तो साइड से निकल जाएंगे, लेकिन उसके लिए ना तो कोई ट्वीट करेगा, इवन सोशल मीडिया पे भी अवेयरनेस नहीं होती फैलाते इतनी। तो लोग भी ऐसे ही है, मतलब थोड़ा लिथार्जिक टाइप है। इसलिए शायद सबको क्रिकेट पसंद है, खड़े होकर बैट से ऐसे मारना पसंद है, ना कि भाग के फुटबॉल खेलना। चलो चलते हैं अभी हम घर के किनारे किनारे। कुछ घर तो खाली पड़े हुए हैं, कुछ सजावट नहीं है। कुछ घर में काफ़ी सजावट है, कुछ घर ऐसे ही पड़े हुए हैं खाली। इसने अपनी काफ़ी शौक पूरे किए हुए हैं, पूरा बेल वगैरह लगाई हुई है और इतना डेंस कर दिया उन्होंने अपनी बाउंड्री को कि अंदर का कुछ दिख नहीं पाता। और काफ़ी गमले वगैरह सजाए हुए हैं, जैसे कि ये वाला देख लो, इसमें कम सजावट है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। फुटबॉल पड़ी हुई है, फुटबॉल खेलते होंगे। कुछ हरी मिर्च वगैरह भी लगाई हुई है काफ़ी लोगों ने। तो अब मैं आ गया हूँ इस कोने पर। अब यहाँ से ऐसे टर्न लेंगे और सीधा उस तरफ जाएंगे। हल्का हल्का सा फोगी तो है। यहाँ पर एक स्ट्रीट डॉग मिला जो कि आराम से सो रहा है। आई होप आपको मज़ा आ रहा हो मेरे साथ इस सोसाइटी में घूमने में। और उन बिल्डिंगों के पीछे पहाड़ हैं जस्ट, और वो बिल्कुल फॉगी हो चुके हैं। वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूमने में, इसलिए मैं डेली आ जाता हूँ यहाँ पर घूमने आजकल। तो मैंने आपको क्लब हाउस ऑलरेडी दिखा चुका हूँ इस सोसाइटी का, जिन्होंने नहीं देखा पुरानी वीडियो देख लेना। उसका टाइटल है शायद मोस्ट प्रीमियम सोसाइटी ऑफ उत्तराखंड। क्लब हाउस इतना ज़बरदस्त है, दो दो तो स्विमिंग पूल है यहाँ पे, और दो दो क्लब हाउस है, मतलब सब कुछ ही डबल डबल है। कैरम रूम से लेके स्क्वेयर रूम, लाइब्रेरी, स्टडी रूम, सब कुछ, योगा हॉल, लाइब्रेरी। तो आप ना मतलब आपको जो 5000 रुपीज़ इवन 3 BHK है वो भी दे रहे हो, तो आप वो भी कम लगेगा आपको। बाहर सारी फैसिलिटी और भी महंगी पड़ती हैं। तो जल्दी हम इस गोल्फ कोर्स से वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। घूमने में मज़ा आ रहा है, बता नहीं सकता कितना मज़ा आ रहा है। काश ऐसा मुझे घूमने के लिए बचपन से मिला होता, या अभी जितनी भी ज़िंदगी बची है उसमें ही ऐसे घूमो यहाँ पे, या यहीं पे रहो। मुझे तो अच्छी लगती है इस तरह की सोसाइटी। काफ़ी लोगों के नेगेटिव कमेंट होते हैं और बोलते हैं कि इसमें क्यों रहना, ये वो। पर मैं आपको बता दूँ, इस तरह की सोसाइटी में एक माहौल होता है, एक सोसाइटी होती है, एक होली दिवाली फेस्टिवल इतनी अच्छी तरह से मनाए जाते हैं। जितने भी फेस्टिवल होते हैं सब मिल के रहते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, मिलते हैं। अगर बाहर आप देहरादून में रहते हो तो आपका मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी, और आप परेशान हो जाओगे। और ऐसी बहुत सारी फैमिली हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो देहरादून में आई हैं, शिफ्ट हुई हैं, और बहुत जल्दी 2-3 महीने बाद चली गई। इवन जो आशीष जी थे जिनका मैंने 2 BHK दिखाया था, वो भी 3 महीने यहाँ पर रह के वापस चले गए थे, क्योंकि मन नहीं लगता बाहर। अगर वो इस सोसाइटी में आते तो उनके बच्चों का भी मन लगता, उनका भी मन लगता, और शायद वो कभी यहाँ से जाते भी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देहरादून में रहना इतना आसान नहीं है।
ठीक है, अब यहाँ से होते हैं एग्जिट। माया कैफे ठीक स्विमिंग पूल के बराबर में है। यहाँ के क्लब हाउस की एंट्री, ऊपर 1 BHK है पूरे, और यहाँ पर अन्नापूर्णा स्टोर यहाँ का लोकल स्टोर, और उस तरफ है वो जूस वाले की दुकान जहाँ पे हम डेली जाते हैं, डेली जाता हूँ जूस पीने। यहाँ से बच्चों का प्ले एरिया दिख रहा है। आज मैं नहीं जा रहा जूस पीने क्योंकि घर मैंने मैंगो से एक पी लिया था। नहीं बस थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। सोसाइटी से बाहर आके देखो कितनी नॉर्मल लाइफ हो जाती है, थोड़ी इनसिक्योरिटी हो जाती है, एक्सीडेंट के खतरा बढ़ जाता है। भाई मसूरी वाले पहाड़ नहीं दिख रहे मुझे, कितना अच्छा लग रहा है, मुझे ये मौसम बहुत अच्छा लगता है, मैं बता नहीं सकता।